टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना एक बार फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। हालांकि रैना अब इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेलेंगे, लेकिन अब वो सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश की टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। शुक्रवार को ही उत्तर प्रदेश की टीम का ऐलान किया गया, जिसमें प्रेम गर्ग को कप्तान बनाया गया। वहीं सुरेश रैना भी टीम में शामिल है। इस टूर्नामेंट के ठीक बाद IPL शुरू हो जाएगा, जिसमें वो फिर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। माना जा रहा है कि रैना अभी MS धोनी की कप्तानी वाली CSK से ही खेलेंगे, लेकिन पिछले साल यानी IPL 2020 के लिए UAE जाकर बिना मैच खेले लौट आने के मामले में सुरेश रैना अब बड़ी बात कही है। वहीं IPL 2020 के लिए रैना अपनी टीम के साथ कैंप में चेन्नई से जुड़े और फिर टीम के साथ UAE भी गए, लेकिन इससे पहले ही पहला मैच खेला जाता पता चला कि सुरेश रैना भारत वापस लौट आए। तब कहा गया था कि रैना कुछ पारिवारिक कारणों के चलते वापस लौटे हैं, लेकिन रैना ने UAE से लौटने को लेकर एक बड़ी बात कही। रैना ने कहा कि उन्हें IPL से पहले ही वापस लौटने के फैसले पर कोई भी पछतावा नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले MS धोनी की कप्तानी वाली CSK के अधिकारियों ने मुंबई मिरर से बात करते हुए इशारा किया था कि सुरेश रैना CSK के ही साथ रह सकते हैं। वहीं CSK के अधिकारियों का कहना है कि IPL 2021 में सुरेश रैना के बिना जाने का कोई भी प्लानिंग फिलहाल नहीं है। हालांकि खुद सुरेश रैना की ओर से IPL 2021 में खेलने को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। इससे पहले 15 अगस्त 2020 को जब MS धोनी ने संन्यास का ऐलान किया था, उसके कुछ ही देर बाद सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। अब सुरेश रैना IPL और घरेलू क्रिकेट में ही खेलते हुए नजर आएंगे। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।